हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ए टू जेड टीचर माइंड। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा कि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि द्विघात बहुपद को शून्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम में अक्सर पूछ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, अभी इस ये जो बहुपद है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स और प्लस टेन है। ठीक है, तो क्या पहले करेंगे, शून्य के निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इसी पहले वाले वीडियो में आपको मैं सिखा दिया कि गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, और तो चलिए पहले इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स का गुणांक और अचर पद को आपस में गुणा कर देंगे और उसको एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक, मतलब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक को जब एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक। तो उस एक जो है, ये इस एक को अचर पद क्या है इसमें, टेन। ठीक है, तो इसके साथ गुणा कर देंगे तो एक को जब दस के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो गया, दस। अब इसको क्या करेंगे, इसको एलसीएम करेंगे। जब दस दस को जब एलसीएम करेंगे तो दो पंचे दो से काटेंगे तो पाँच आएगा, दो पंचे दस, मतलब जब दो को पाँच को गुना करेंगे तो कितना हो गया, दस। ठीक है, अब देखिए बीच वाला जो सेवन एक्स है, इसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पर सेवन और गुना करने पर दस, वही दो संख्या होना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों एक ही बार में कर दिए, दो पंचे दस आ गया। ठीक है, और दो को और पाँच को जोड़ते भी हैं तो कितना हो जाता है, सात। कितना, सात। तो मतलब ये दो पाँच संख्या बेस्ट है। ठीक है, इसमें सेट करने के लिए फिलहाल। तो दोस्तों, ये पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर, इसमें कोई चेंजेस नहीं तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, राइट। अब यहाँ देखिए, ये दो और पाँच है प्लस में है तो ये प्लस सात है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर क्या करेंगे, दो एक्स करेंगे और पाँच एक्स करेंगे। ठीक है, या पाँच एक्स कीजिए या दो एक्स, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिलहाल क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम मैं इधर पहले पाँच लेता हूँ, पाँच और ये एक्स है तो एक्स लगा देंगे, पाँच एक्स हो गया और टू एक्स, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पाँच एक्स और दो एक्स कितना हो जाएगा, सात एक्स हो जाएगा, तो परफेक्ट है। और दो और पाँच और दो को गुना भी करेंगे तो कितना हो जाता है, दस, तो ये भी सही है। ठीक है, और ये प्लस टेन है तो प्लस टेन कर देंगे यहाँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब देखिए इसमें से कॉमन करेंगे दोनों में से, एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ फाइव एक्स है, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, इस दोनों में जब इस दोनों में कॉमन करेंगे तो एक्स कॉमन आएगा। जब एक्स कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ एक दो एक्स में से एक एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ एक्स बचेगा। ठीक है, ये प्लस और ये फाइव एक्स में से एक्स कॉमन आ जाएंगे तो क्या बचेगा, पाँच, जो कि ये प्लस में है, राइट। तो एक्स प्लस फाइव कॉमन में आ गया, ठीक है, बच गया। और यहाँ देखिए, यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ टू कॉमन आएगा, क्या आएगा, दोनों में से टू कॉमन आएगा। तो जब टू कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ दस है, दस में से जब दो कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ प्लस पाँच बचेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस तो है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ दो कॉमन आ गया तो बच गया आपको एक्स प्लस पाँच। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों में कॉमन करेंगे। ठीक है, जब दोनों में कॉमन करेंगे तो बचेगा, यहाँ हो गया आपका एक्स प्लस फाइव, कॉमन किए तो यहाँ बचा क्या है, एक्स प्लस टू बचा, तो एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसको हम बराबर जीरो कर सकते हैं, शून्य इसके किया सबको कर सकते हैं जीरो, क्योंकि शून्य के निकालने के बोला जा रहा है। ठीक है, तो जीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, एक बार इसको जीरो करेंगे और एक बार इसको जीरो करेंगे। जब एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो, एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो करते हैं, जब एक्स प्लस टू बराबर जीरो करते हैं, तो क्या क्या आएगा देखिए, पहला वाला स्टेप में एक्स प्लस जो फाइव है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस फाइव बराबर की इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, राइट, क्या आ जाएगा, माइनस
तो x बराबर हो जाएगा आपको माइनस फाइव, और यहाँ x प्लस टू है। तब जब दो को बराबर की इस साइड लिखा जाएंगे तो ये भी माइनस हो गया क्योंकि ये प्लस है, तो x बराबर क्या हो गया माइनस दो। तो दोस्तों x बराबर क्या आ गया, इसीलिए हम लिख सकते हैं x का जो मान आया है माइनस पाँच एक बार आया है और एक बार क्या है माइनस दो। ठीक है, तो ये जो दो जो ये जो आया है यही हो गया आपका शून्य। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे, शून्य के बराबर किसका किसका, इस द्विघात बहुपद का जो शून्य जो है, शून्य के बराबर लिखेंगे यहाँ, शून्य के बराबर कितना, एक बार माइनस पाँच और एक बार माइनस दो। ठीक है, यही हो गया आपका शून्य। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, यदि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, एक बार देख लीजिए।